हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं नीता उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस कवर कर लिया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देख लें। तो चलिए पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भूतकाल। इट मीन्स जो कार्य भूतकाल में जारी रहता है, हो रहा होता है, वो इस टेंस के अंतर्गत आता है, ओके। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन इन द पास्ट। इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल में चल रही क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है, ओके। जो कार्य भूतकाल में चल रहा होता है वो इस टेंस के अंतर्गत आता है, ओके। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब। वाज हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं और वर्ब प्लूरल नाउन के साथ। इसका हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज वर्ब, ओके। वाज किसके साथ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, ओके। जैसे कि आई, शी, ही, इट और कोई भी सिंगल नेम के साथ, ओके। और वर यूज होता है यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ, ओके। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जिसमें आईएनजी जोड़ना है, ओके। इसकी हिंदी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़े थे, खड़ा था, बैठा था, बैठी थी। इस तरह के जब वाक्य आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कि वह लाइन में खड़ा था, वह किचन में बैठी थी, वह बैठा था, इस तरह का वाक्य भी इसी टेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना रहता है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग। वह बोल रही थी, शी वॉज सेइंग, ओके। वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, ही वॉज कमिंग। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। तुम खड़े थे, जैसा कि आपको बोलना है कि जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुम खड़े थे, तो आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तुम खड़े रहे थे। आप तो जब भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि तुम खड़े थे, यानी उसके खड़े होने का काम उस समय जारी था, ओके। तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? यू वर स्टैंडिंग। रोहन बैठा था। रोहन वाज सीटिंग। वह कक्षा में नहीं बैठा था। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हमें नॉट का यूज करना है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? He was not sitting in the class. क्या वह कक्षा में बैठा था? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज पहले आएगा, तो कैसे बनेगा? Was he sitting in the class? वे मेरी तरफ देख रहे थे, They were looking at me. इसी का हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी बना लेते हैं, ओके। क्या वे मेरी तरफ देख रहे थे? Were they looking at me? वे मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, They were not looking at me. तुम कब पढ़ रहे थे? इसमें क्वेश्चन वर्ड वन का यूज हुआ है, तो कैसे बनेगा? इसमें क्वेश्चन वर्ड वन पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ओके। तो When were you reading? ओके? तो मुझे ऐसा है जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने
पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर जा कर के देखें, और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।